एक खुशखबरी है, वह है कि आगामी 14 सितंबर को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी अलीगढ़ में पधारेंगे। प्रस्तावित कार्यक्रम राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी, एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, शिक्षाविद थे, समाज सुधारक थे, उनके नाम पर राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय के शिलान्यास का कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों से संपन्न होने जा रहा है। यह विश्वविद्यालय अलीगढ़ कमिश्नरी से जुड़े हुए अलीगढ़, हाथरस, कासगंज, एटा से जुड़े हुए लगभग 400 महाविद्यालयों की एफिलिएशन का भी विश्वविद्यालय होगा। यानी ये सभी विश्वविद्यालय, ये सभी महाविद्यालय जो इन चारों जनपदों में हैं, अब राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय से संबद्ध होने की प्रक्रिया उसकी प्रारंभ हो जाएगी। परंपरागत पाठ्यक्रम के साथ साथ इसके डेवलपमेंट और अन्य रोजगार परक कार्यक्रमों के साथ ही एक विश्वविद्यालय आने वाले समय में अलीगढ़ कमिश्नरी और इस क्षेत्र के विकास का एक धुरी बनेगा। साथ साथ इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी के करकमलों से जो डिफेंस कॉरिडोर 2018 में अपने प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश को दिया था, जिसके लिए उन्होंने 6 नोड तय किए थे, अलीगढ़, आगरा, कानपुर, लखनऊ, झांसी और चित्रकूट, तो अलीगढ़ नोड में जो लगभग 200 एकड़ लैंड डिफेंस कॉरिडोर के लिए यहाँ पर हम लोगों ने आरक्षित की है, उसमें 19 निवेशकों को लगभग 1500 करोड़ रुपए के निवेश से संबंधित भूमि आवंटन की कार्रवाई यहां पर संपन्न होगी। एक भव्य आयोजन होगा और अलीगढ़ जो अब तक हार्डवेयर के लिए जाना जाता था, अलीगढ़ के ताले दुनिया में मशहूर हैं, इसको एक नया मंच मिलेगा आगे बढ़ने का। स्वाभाविक रूप से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में भी हम लोगों ने अलीगढ़ के हार्डवेयर को रखा है और प्रधानमंत्री जी का आगमन न केवल महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के प्रति केंद्र और प्रदेश सरकार की विनम्र श्रद्धांजलि होगी, उस महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को सम्मान देने का कार्यक्रम होगा, बल्कि अलीगढ़ के युवाओं के लिए अत्याधुनिक शिक्षा के साथ साथ रोजगार और वर्तमान प्रपेक्ष में मेड इन इंडिया के संकल्प को पूरा करने के दिशा में डिफेंस कॉरिडोर के साथ जुड़ने का एक अवसर भी उपलब्ध होगा। तैयारी का की समीक्षा करने के लिए मैं यहां पर और मेरे साथ हमारे उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, प्रभारी मंत्री सुरेश शर्मा, सुरेश यहां पे राणा जी यहां पर इस कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए आए हैं। हम लोगों ने कार्यक्रम स्थल भी देखा है, डिफेंस कॉरिडोर के स्थल का भी निरीक्षण किया है और हम लोगों ने संगठन के साथ भी यहाँ बैठक के बातचीत की है, जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की है। हर अलीगढ़वासी, इस कमिश्नरी का वासी, आगरा कमिश्नरी का वासी प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए उतावला है, बड़े उमंग और उत्साह के साथ प्रधानमंत्री जी का स्वागत यहाँ पर करेगा और प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो दो महत्वपूर्ण अनमोल चीजें इस क्षेत्रवासियों को दी जा रही है और महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह जी की स्मृतियों को वर्तमान पीढ़ी के लिए स्मरणीय बनाने की कार्रवाई प्रारंभ हो रही है, इस दृष्टि यहाँ पर इस कार्यक्रम के साथ हम सब जुड़ने के लिए आए हैं। कार्यक्रम पूरी भव्यता के साथ
यहाँ पर आयोजित होगा और उसी की समीक्षा करने के लिए आज मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं अलीगढ़ वासियों को, इस कमिश्नरी के सभी नागरिकों को, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को बधाई देता हूँ कि जो यहाँ की वर्षों की मांग थी, दशकों से मांग थी, उस मांग को सरकार ने पूरा किया है। प्रधानमंत्री जी स्वयं यहाँ पर उपस्थित होकर के न केवल इन दो अनमोल चीजों को यहाँ के वासियों को उपलब्ध कराएंगे, बल्कि प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन भी उस पूरी जनता जनार्दन को प्राप्त होगा जो इस कार्यक्रम के साथ, उस कार्यक्रम में उपस्थित होंगे और इस कार्यक्रम के साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ेंगे।